नमस्कार दोस्तों, आदि एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है या फिर जो आपका हायर सेकेंडरी एग्जाम्स है या फिर बहुत सारे एग्जाम्स का जो रिजल्ट अभी निकलने वाला होता है, क्योंकि थोड़ी ही दिन में एडमिशन का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी स्टूडेंट के साथ साथ मैं नोटिस किया कि स्टूडेंट के गार्जियन में भी एक खौफ रहता है, बेटा या बेटी रिजल्ट कैसा करेगा या कैसी करेगी, मार्क्स कैसा आएगा, ये सब खौफ उनके मन में रहता है। जितना खौफ उन लोगों के बच्चे के मन में नहीं रहता है, गार्जियन उन लोगों के दिमाग में और भी खौफ पैदा कर देता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये सब करके। दोस्तों, अभी तो खौफ करने से कोई भी फायदा है नहीं, क्योंकि अगर आपको खौफ खाना ही था तो एक साल दो साल पहले जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब आपको खौफ खा के आपको पढ़ना चाहिए था, या फिर आपके बच्चे को तब खौफ खा के पढ़ना चाहिए था। अभी तो जो हो गया वो हो गया, अभी तो सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा निकलना बाकी है। तो आप अगर खौफ खाएंगे और वो खौफ अगर अपने बच्चे के दिमाग में भी डालेंगे तो क्या होगा, अंत में बच्चे के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा। और अभी तो न्यूज़पेपर में तो जो आ रहा है दोस्तों, उन सबसे तो हम लोग वाकिफ ही है। गार्जियन के प्रेशर के वजह से बच्चा कभी कभी सुइसाइड कर लेता है, घर से भाग जाता है। तो दोस्तों, जब हम लोग 10th स्टैंडर्ड पास करते हैं तो कोई कोई साइंस कॉमर्स आर्ट्स, ये तीनों ट्रेड हम लोग चुनते हैं। अभी साइंस कॉमर्स और आर्ट्स में जब कोई मान लीजिए साइंस लिया तो उसके दिमाग में कुछ कुछ प्रोफेशन ही घूमेगा आसपास, मैं डॉक्टर बनूंगा या फिर इंजीनियर बनूंगा। कॉमर्स लिया तो मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना है, अगर कोई आर्ट्स ले लिया तो मुझे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। लेकिन दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में ये तीन चार पांच प्रोफेशन के अलावा भी सैकड़ों हजारों प्रोफेशंस है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में हम लोग प्रोफेशन देखने के लिए दसम भव मतलब कर्म भव को देखते हैं स्पेशली, उसके साथ छठे भव लग्न भव सबका विचार करते हैं, लेकिन हम लोग दशम भव का विचार सबसे ज्यादा करते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने बच्चे के ऊपर जबरदस्ती कुछ ठोस देते हैं कि मान लीजिए मुझे डॉक्टर बनना था, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, अभी मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा या बेटी डॉक्टर बने, तो उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला कि वो आखिर में पागल हो गया, ऐसा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, इन सब कुछ से बचने के लिए आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से परामर्श कीजिए। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ग्रह का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ देख के आप बता सकता है कि आपका बेटा या बेटी किस सब्जेक्ट में जाएगा तो उन्नति करेगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो दशम भाव का विचार करने के बाद हम लोग किसी जातक या जातिका का करियर किस दिशा में जाएगा उसका हम लोग एक इंफॉर्मेशन पाते हैं। दोस्तों, अगर दशम भाव का हम लोग विचार करते हैं तो उसका जो पढ़ाई लिखाई का जो क्षेत्र है मतलब फोर्थ हाउस और जो नाइन्थ हाउस हायर एजुकेशन का जो क्षेत्र है, अगर हम लोग थोड़ा उसके दशम भाव का भी विचार कर लेके, हाँ इस जातक या जातिका का इस क्षेत्र में अगर ये नौकरी करेगी तो ये अच्छा रहेगा, तो अगर चौथे और नवम भाव का अगर विचार करने के बाद हम लोग उसी क्षेत्र में उस जातक या जातिका को पढ़ाई लिखाई में लगाए तो उसको नौकरी पाने में बहुत आसानी मिलती है। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये कभी नहीं है कि आप बच्चे के ऊपर बिल्कुल ही प्रेशर मत डालो, मैं ये कहा कि उसको जो चीज चाहिए उसको आप अपने आप को एक्सप्लोर करने दो। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, सिर्फ जरूरत होती है उसको सही से एक्सप्लोर करना। ऐसा नहीं कि आप अपने बच्चे से पूछे और बच्चा भी स्मार्टली जवाब दे दिया कि हाँ पिताजी, पिताजी बच्चे से पूछा बेटा तुमको क्या पढ़ना है, तो बेटा बोल दिया पिताजी मुझे तो सिर्फ खाना है पीना है और सोना है। ऐसा नहीं दोस्तों, अगर आप एक सही ज्योतिष के पास जाएंगे तो वो ज्योतिष आपको गाइड कर सकता है कि आपका बच्चा किस क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई करेगा तो उन्नति करेगा। तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ कुछ ग्रहों के लिए कुछ कुछ स्टडीज और कुछ कुछ प्रोफेशंस अच्छा माना गया है।
जो कि कुछ इस प्रकार है। जैसे पहले बारी आती है सूर्य की, दोस्तों सूर्यदेव जो होता है वो ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्यदेव से जुड़े हुए कोई भी प्रोफेशन अगर आप चुनते हैं तो देखना होगा कि आपका सूर्य किस पोजीशन पे है, मतलब सूर्य बलवान है या फिर दुर्बल है। अगर किसी जातक या जातिका का सूर्य बहुत बलवान रहा तो वो जिंदगी में नेम फेम तरक्की सब कुछ कमा लेगा एकदम। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर सूर्य किसी जातक या जातिका का बलवान रहा तो जिंदगी में नेम फेम तरक्की उन्नति सब कुछ कमा लेगा। दोस्तों मैं सूर्य ग्रह के साथ जुड़ा हुआ कुछ कुछ प्रोफेशन आपको बता रहा हूं जो कि कुछ इस प्रकार है। जैसे डॉक्टर, मैनेजरियल कोई पोस्ट, सिविल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनना, पॉलिटिक्स में जाना, ये सब कुछ कुछ जो प्रोफेशन होता है वो सूर्य ग्रह से रिलेटेड है। दोस्तों इसके बाद बारी आती है चंद्र ग्रह की। अगर किसी जातक या जातिका का चंद्र बहुत स्ट्रांग है, उसका चंद्र ग्रह अच्छा पोजिशन में है, अच्छे राशि में है, अच्छे नक्षत्र में है, तो कुछ कुछ प्रोफेशन के बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दे देता हूं जो कि कुछ इस प्रकार है। दोस्तों वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चंद्र ग्रह को ग्रहों की रानी माना गया है। तो अगर किसी का चंद्र बलवान है तो वो जातक या जातिका का दिमाग बहुत शार्प होता है, मतलब उस चंद्र जो होता है वो मन का कारक ग्रह होता है, तो उसका जो दिमाग होता है वो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का होता है। उसको रीजनिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन सब में अगर आप दाखिल करेंगे तो उसको फायदा मिलेगा। इसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कुछ पढ़ाई लिखाई, एग्रीकल्चर, ट्रैवल, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, पानी से जुड़ा हुआ कुछ पढ़ाई लिखाई, डेयरी टेक्नोलॉजी हुआ, दूध संक्रांत कुछ पढ़ाई लिखाई, कोल्ड ड्रिंक्स हो सकता है या फिर मान लीजिए जिसमें पानी इन्वॉल्व हो, क्योंकि चंद्र जो है वो जल को इंडिकेट करता है। इसके साथ साथ टेक्सटाइल, साइकियाट्री, जैसे मैं आपको बताया कि चंद्र मन का कारक ग्रह होता है, तो अगर कोई अच्छा साइकियाट्रिस्ट बनना चाहता है तो उसको दूसरे का दिमाग भी पढ़ना आना चाहिए। तो अगर कोई अच्छा साइकियाट्रिस्ट बनना चाहता है तो उसके हॉरोस्कोप में चंद्र ग्रह का बलवान होना बहुत 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 जरूरी है। दोस्तों इसके बाद बारी आती है मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जो होता है वो ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को सेनापति ग्रह माना गया है। डिफेंस, पुलिस, मिलिट्री, आर्मी, अस्त्र शस्त्र बनाने का कोई प्रोफेशन वो चुन सकता है अपने जीवन में। दोस्तों अगर किसी के लग्न कुंडली में मंगल ग्रह बलवान रहा तो वो अच्छा स्पोर्ट्समैन भी बन सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कोई मशीन से जुड़ा हुआ कुछ काम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ कुछ काम का अगर वो पढ़ाई लिखाई करे तो वो उस प्रोफेशन में जा सकता है। दोस्तों इसके बाद बारी आती है बुध ग्रह की। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बुध ग्रह को युवराज ग्रह कहा जाता है। बुध ग्रह आप कितना बुद्धिमान है इसका परिचय देता है। बुध ग्रह से जुड़े हुए कुछ प्रोफेशन, कुछ पढ़ाई लिखाई का मैं अभी नाम बता रहा हूं वो जो कि कुछ इस प्रकार है। जैसे बैंकिंग हुआ, फाइनेंस हुआ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हुआ, या फिर किसी तरह का कम्युनिकेशन रिलेटेड पढ़ाई। कम्युनिकेशन दो तरह का हो सकता है दोस्तों, एक है वर्बल कम्युनिकेशन, एक है फिजिकल कम्युनिकेशन। दो तरह का कम्युनिकेशन जो है वो बुध ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है। स्टॉक मार्केट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, साहित्य से जुड़ा हुआ, लाइब्रेरी साइंस, खिलौना संक्रांत कुछ काम, मतलब खिलौना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर वो खोल लिया अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों राइटिंग, मतलब जो जिसका बुध ग्रह अच्छा रहता है उसका जो राइटिंग है वो बहुत सुंदर होता है। राइटिंग सुंदर का मतलब है हैंडराइटिंग सुंदर होता है। हैंडराइटिंग सुंदर होने के साथ साथ वो जो कुछ जो लिखता है वो दूसरे के दिल में छू जाता है, तो राइटर बन सकता है। इसके साथ अगर किसी का बुध ग्रह स्ट्रांग रहा तो वो अच्छा मैथमेटिशियन भी बन सकता है। मैथमेटिक्स उसके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट बन सकता है दोस्तों। इसके साथ दोस्तों अगर किसी का बुध ग्रह बहुत स्ट्रांग रहा तो वो अकाउंट्स रिलेटेड कुछ काम कर सकता है, सीए पढ़ सकता है, ऑडिट का काम कर सकता है, या फिर एस्ट्रोलॉजी भी कर सकता है। जो एस्ट्रोलॉजर लोग होते हैं उनका जो बुध ग्रह होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है दोस्तों। तो मैं आपको बुध ग्रह के बारे में जानकारी दिया। अभी मैं आपको गुरु से जुड़ा हुआ कुछ प्रोफेशन और पढ़ाई लिखाई के बारे में आपको जानकारी दूंगा। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को टीचर माना गया है, मतलब शिक्षक ग्रह। गुरु बहुत सात्विक ग्रह है जो ज्ञान का कारक ग्रह माना गया है।
गुरु से जुड़े हुए कुछ पढ़ाए लिखाए और कुछ प्रोफेशन कुछ इस प्रकार है, जैसे वो बहुत अच्छा टीचर बन सकता है, इसके साथ ट्रेजरी, बैंकिंग, पब्लिकेशन, कंटेंट राइटिंग, लॉ, जस्टिस, पोस्टल डिपार्टमेंट, कोर्ट, मंदिर में पूजा पाठ करना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एडवाइजरी काउंसिल, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में कोई काम वो जातक या जातिका कर सकता है। दोस्तों गुरु के बाद बारी आती है शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जो होता है ये धन का कारक ग्रह माना गया है। मां लक्ष्मी शुक्र ग्रह का देवी है, तो शुक्र ग्रह से जुड़े हुए कुछ प्रोफेशन जो है वो कुछ इस प्रकार है। दोस्तों शुक्र ग्रह से जुड़े हुए जो प्रोफेशन होते हैं वो ज्यादातर प्रोफेशन बहुत ग्लैमरस होते हैं, मतलब जिसमें बहुत ग्लैमर शामिल हो, मतलब दिखने में अच्छा हो, ड्रेस वे सब कुछ अच्छा पहनना पड़े, जिसमें आपको आपको हो सकता है करोड़ों लोग आपको पहचाने लेकिन आप बहुत कम लोगों को पहचान पाए, ऐसा कुछ प्रोफेशन जैसे सिंगर बनना, थिएटर में जाना, ड्रामा मूवी का जो फिल्म का जो हीरो होता है वो हीरो बनना, कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑर्नामेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, फैशन डिजाइनिंग का कोई कोर्स कर लेना, फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव बन जाना, या फिर होटल मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर लेना, एयर होस्टेस बन जाना, ये सब शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ कुछ प्रोफेशन है। दोस्तों इसके बाद बारी आती है शनि ग्रह, जो कि न्यायाधीश है, जो कि लॉ ऑफ जस्टिस माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में, उससे जुड़े हुए कुछ कुछ प्रोफेशन के बारे में मैं आपको जानकारी अभी दूंगा। शनि ग्रह से जुड़ा हुआ कुछ कुछ प्रोफेशन कुछ इस प्रकार है, जैसे अगर किसी का शनि ग्रह बहुत बलवान रहा तो वो फिलोसॉफी लेके पढ़ सकता है, उसके स्पिरिचुअलिटी में बहुत मन लगता है। खनिज तेल और खनिज तेल से जुड़ा हुआ कुछ प्रोफेशन के साथ वो जुड़ सकता है। दोस्तों अगर किसी के लग्न कुंडली में शनि ग्रह बलवान रहा तो लोहे का काम, लैंड प्रॉपर्टी रिलेटेड काम उसके लिए अच्छा माना जाता है। ड्रेनेज सिस्टम, प्लम्बिंग या फिर लेबर सप्लाई, मतलब कहीं पे अगर लेबर लगे, उसका अपना खुद फॉर्म है लेबर सप्लाई का, वो वहां पे लेबर सप्लाई कर सकता है, मतलब सेवा संक्रांत कुछ काम, सेवा मूलक कुछ काम। इसके साथ साथ दोस्तों एस्ट्रोनॉमी, फुटवेयर से संक्रांत कुछ पढ़ाई लिखाई वो अगर करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। शनि ग्रह के साथ एग्रीकल्चर, फार्मिंग, केमिस्ट, ड्रगिस्ट, अगर उसको दवाई का दुकान देना है तो उसका शनि ग्रह बलवान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दवाई वाले को अगर कोई आके पूछेगा कि मुझे नींद की दवाई दो तो दवाई वाला कभी उसको नींद का दवाई नहीं देगा बिना प्रेस्क्रिप्शन देखे हुए। तो अगर आपका शनि ग्रह बलवान है तो आप दवाई दुकान खोल सकते हैं। मेडिसिन संक्रांत कोई पढ़ाई लिखाई, फार्मास्यूटिकल्स, अगर आपका शनि ग्रह स्ट्रांग रहा तो आप कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बारी आती है राहु ग्रह की, जो अल्ट्रावायलेट रे है, माइथोलॉजिकली जिसको ड्रैगन हेड कहा जाता है, उससे जुड़े कुछ प्रोफेशन के बारे में आपको जानकारी दे देते। दोस्तों राहु ग्रह से जुड़े हुए कुछ प्रोफेशन कुछ इस प्रकार है, जैसे बड़े मशीन के साथ कुछ काम करना, बड़ा जो मशीन बनता है उसका मैन्युफैक्चरिंग और उसको सेल करना, लेदर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर सेटअप करना, कुछ चीज दूसरे देश से इंपोर्ट करना, पॉइजनस कुछ चीज बनाना, मतलब पेस्टिसाइड्स रिलेटेड कुछ चीज बनाना या फिर उससे रिलेटेड कुछ पढ़ाई लिखाई करना, फॉरेन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना, कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ाई लिखाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कुछ पढ़ाई लिखाई अगर करेगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा। बारी आती है केतु की, जो इंफ्रारेड माना गया है, माइथोलॉजिकली केतु को ड्रैगन टेल माना गया है, उससे जुड़े हुए कुछ प्रोफेशन के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दे देता हूं। अगर किसी का केतु स्ट्रांग रहा तो वो मेटरोलॉजी लेके पढ़ सकता है, जूलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, दूसरे देश का कोई भाषा सीख सकता है, फॉरेन लैंग्वेज सीख सकता है, उससे उसको अपना प्रोफेशन बना सकता है, माइक्रो बायोलॉजिस्ट, लेदर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेट बन सकता है, वो भी केमिस्ट और ड्रगिस्ट रिलेटेड, मतलब दवाई का दुकान दे सकता है, और अंत में वो अच्छा तांत्रिक भी बन सकता है, धर्म प्रचारक बन सकता है। तो दोस्तों मैं हर ग्रह से जुड़े हुए कुछ प्रोफेशन के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दिया। अगर आप रिजल्ट को लेकर खौफ खा रहे हैं तो बिल्कुल ही मत खौफ खाइए, मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपको खौफ खाना ही था तो एक साल दो साल पहले जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब आपको खौफ खाना चाहिए था। अभी तो रिजल्ट जो निकलने वाला है वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर टीचर छोड़ के भी हजारों 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 प्रोफेशन
है दोस्तों जिसमें आप तरक्की कर सकते हैं। मैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नौ ग्रह से जुड़े हुए कुछ कुछ प्रोफेशन के बारे में आपको जानकारी दिया। ये प्रोफेशन छोड़ के भी और भी बहुत सारे प्रोफेशन है दोस्तों, तो अगर आपको सही पढ़ाई लिखाई करना है आपके रिजल्ट निकलने के बाद, तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से परामर्श कीजिए और आपके लिए कौन सा प्रोफेशन, कौन सा करियर अच्छा रहेगा, एक बार एस्ट्रोलॉजर से परामर्श करने के बाद ही उस क्षेत्र में आप अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।